हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो एक्सरसाइज 4.2 उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सो अगर मैं बात करूँ बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, तो एग्जाम में अगर किसी मेथड को मेंशन किया जा रहा है तो आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर किसी मेथड को मेंशन नहीं किया गया तो फिर आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। चलिए बेटा, मैं आपको पहले सिखाता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड होती क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ एक लकीर देते हैं, हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले देखो, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। अब आप देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है आपको, कुछ भी कोफिशिएंट नहीं होता तो वहाँ 1 होता है। आपको इस नंबर की और इस नंबर की क्या करनी पड़ेगी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना है 10, और फिर ये सिंबल देखना पड़ेगा माइनस, और यहाँ है 3। मतलब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और माइनस करें तो 3 आए, ठीक। तो 5 2 10, 5 में से 2 माइनस करोगे 3 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो वो दो नंबर क्या थे बेटा, 5 और 2। तो ये 5x, यहाँ सिंबल था माइनस, माइनस लगा देंगे, फिर क्या था बेटा 2x, तो यहाँ 2x, फिर बाहर क्या माइनस के 10, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 5x माइनस इंटू माइनस प्लस के 2x माइनस के 10। अगर बच्चों आप इसे फिर से सॉल्व करोगे ना तो आपको फिर से यही इक्वेशन मिल जानी है। इसे स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म्स भी बोलते हैं। हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इसका दूसरा नाम यही होता है। अब आप देखेंगे बेटा, यहाँ से एक पेयर बनेगा और यहाँ से एक पेयर बनेगा। अब हमें निकालना होता है कॉमन। कॉमन क्या होता है, वो सबसे छोटा चीज़ जिसका डिवाइड दोनों चीज़ में चला जाए। तो यहाँ एक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका डिवाइड दोनों में जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर निकालोगे तो एक्स बचता है, 2 पावर थी 1 बाहर आ जाएगा तो 1 पावर बचेगा। यहाँ से बेटा हमारा x बाहर आ चुका है तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 5 बचेगा, ठीक। फिर सिंबल क्या है, यहाँ पर प्लस प्लस लिख दिया, 2 का डिवाइड दोनों में जाएगा तो 2 यहाँ से बाहर आ गया, अंदर बचेगा x, 2 5 10। जो 2 बार है उसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बार लिखेंगे, ये फैक्टर बना रहे हैं हम, और जो अपने कॉमन निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ सेम आनी चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो आपने गड़बड़ की है, आपके आपने गलती की है, तो ऊपर चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ सेम आएगी तभी आपने सही किया, और जो सेम आती है उसको 2 बार लिखते हैं, जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं, यही फैक्टराइजेशन है, ठीक है। यदि यानी कि इफ़ इस वाले फैक्टर को 0 ऐड करोगे, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 5 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 5। पहला आंसर, दूसरे वाले को लेट करोगे, इफ़ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। ये इसका मतलब क्या होता है, अगर एक्स के प्लस पे ये वैल्यू रखूँ या फिर ये वैल्यू रखूँ और लेफ्ट हैंड आप सॉल्व करो तो आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो आराम से बन गया, समझ में आ गया ना बेटा कैसे होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, आई एम श्योर आपको ज़रूर आ गया होगा। और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जैसे इस क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, एक्सेस का कोफिशिएंट कितना है, 2 और ये 6, ऐसे दो नंबर ले रहे हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, 2 6 12, और माइनस करने पर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 आए। ऐसे दो नंबर लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उनको अगर माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए, 1, 4 3 12, 4 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक। सो यहाँ से देखो बेटा क्या हो जाएगा, 2x² 4x, ठीक, और फिर क्या हो जाएगा बेटा, एक नंबर 4 है दूसरा नंबर 3x, और बाहर से क्या माइनस के 6, ठीक। एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बन गया, पहले पेयर से 2 का डिवाइड दोनों में चला जाएगा और x भी कम से कम दोनों में डिवाइड जाएगा, 2 बाहर आ गया, x² से x बाहर आ गया तो x बचेगा, 2 2 4, एक्स तो ऑलरेडी बाहर है, माइनस 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा, 3 बाहर है तो यहाँ से एक्स बचा,
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ब्रैकेट लगा पड़ा है। और 3 2 ज़ा, देखो ये चीज़ और ये चीज़ हमारी सेम है तो हमने बिल्कुल सही किए हैं। फैक्टर बनाएंगे जिस जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो हमने कॉमन निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसको एक बार ज़ीरो मानना है, इफ़ एक्स प्लस टू इसकस टू ज़ीरो, प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का टू। पहला आंसर एंड दूसरा वाला, इफ़ 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का टू इधर आके क्या हो जाएगा, बटे डिवाइड में। ठीक, ये हमारा क्या बन गया बेटा, आंसर बन गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, नेक्स्ट वाले में आ जाओ, इम्पॉर्टेंट है वही लॉजिक, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी है कि नहीं। रूट टू इंटू फाइव रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू कितना होता है, 2 इंटू 5 10। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आता हूँ और ऐड करने पे 7 आता हूँ। 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 2 5 को ऐड करो तो कितना आता है, 7 आता है। तो वो दो नंबर क्या थे, 2 और 5 थे, 2x प्लस के 5x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगाए। फिर बाद में क्या है ये चीज़, एक पेयर यहाँ से एक पेयर यहाँ से। देखो बेटा आपको पता ही है, 2 को हम ले सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, तो यहाँ से बेटा रूट टू एक्स कॉमन है, रूट टू बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है तो एक्स बचेगा, 2 से रूट टू बाहर है तो क्या बचेगा, रूट टू, एक्स तो ऑलरेडी बाहर है। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 5 कॉमन है तो बेटा एक्स बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से रूट टू बचेगा। जो दो बार है उसको हम एक बार लिखते हैं, जो आपने कॉमन निकाला उसको आप दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स रूट टू प्लस 5। अब इसको एक बार ज़ीरो लेट करेंगे, इफ़ एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू ज़ीरो, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको ज़ीरो लेट करोगे, इफ़ एक्स रूट टू प्लस 5 इसकोस टू ज़ीरो, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और रूट टू इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में। सो ये दो आपके आंसर आ गए। ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड, हो गया आराम से। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 8 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से हो तो वही रहते हैं, और 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से। तो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इंटू 1 वही रहेगा, 8 0 0 0। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आपको क्या देखना है बेटा, 16 इंटू 1 16, ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 16 है और ऐड करें तो 8 है। 4 4 ज़ा 16, 4 और 4 को ऐड करोगे तो 8 आएगा। जब भी नेगेटिव लगे ना बेटा तो ब्रैकेट ज़रूर लगा लेना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। माइनस के 4x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 4x, यहाँ से एक पेयर यहाँ से एक पेयर, 4 का डिवाइड 4 4 ज़ा 16, 4 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स यहाँ है तो एटलीस्ट एक्स कॉमन आ जाएगा, 4 4 ज़ा, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर है तो बेटा एक्स बचेगा, 4x पूरा बाहर है तो 1 बचेगा, 4x 1 ज़ा 4x। अब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा यहाँ सिंबल क्या है, माइनस माइनस लग गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और फिर अंदर जो है बेटा वैसे का वैसे लिख दो। सिंस यहाँ नेगेटिव है तो ये जो प्लस साइन है बेटा चेंज होके माइनस हो जाएगा। आगे सेम, जो दो बार है बेटा उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में निकाल लिखते हैं। सेम टू सेम चीज़ है, इफ 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है इधर के क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में, एंड दूसरा वाला भी वही आ जाएगा।
ठीक है, 1/4 1/4, ये हमारा आंसर आ गया, एकदम आसान था। नेक्स्ट पार्ट में आ जाऊँ, सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने किया था, ऐसे दो नंबर सोचने जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 100 वन 100 आए और ऐड करें तो 20 आए। 10 × 10 100 होते हैं और 10 और 10 को ऐड करो 20 होते हैं, ठीक है। तो वो नंबर है बेटा 10x 10x, ठीक। बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगा लिया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस माइनस माइनस 10x, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, पहले पेयर से बेटा 10 का डिवाइड दोनों में जाएगा एंड x का डिवाइड दोनों में जाएगा, तो 10 10 जा एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर तो एक्स बच जाएगा, 10x 1 जा 10x, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो दो बार है उसको हम एक बार लिखते हैं और जो हमने कॉमन निकाला उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं, यही तो होता है फैक्टराइज। इसको ज़ीरो मानेंगे, इफ़ 10x-1 = 0 तो माइनस के अंदर के प्लस का 1 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चा डिवाइड में, अगेन ये भी हमें वही वैल्यू दे देगा क्योंकि सेम चीज़ है आंसर। तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपने सीख लिया है, तो इन्हीं क्वेश्चन को बेटा प्रैक्टिस करो, ऐसे क्वेश्चन आप हर टाइप के बना सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आया है नहीं है कॉमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए ज़रूर देखें, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करें।